ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्केयर में। आज हम हमारी इंटरनेशनल ट्रेड की बुक को शुरू करने जा रहे हैं, जो BBA के लिए, BCom और MCom सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। और इस वीडियो को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा, हर एक पॉइंट मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ होगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्या होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार? तो अगर हम सिंपल वर्ड में बोले तो क्या होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार? जब भी कोई देश किसी अदर देश के साथ किसी दूसरे देशों से गुड्स को एक्सचेंज करता है, यानी कि सेलिंग और बाय करने का काम करता है एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ या अदर देशों के साथ, तो उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। यानी कि एक देश जब अपने गुड्स को अपनी देश की बाउंड्री से बाहर बेचता है या अपनी बाउंड्री से बाहर किसी देश से खरीदता है गुड्स को या सर्विस लेता है, तो उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन देखो क्या है कि द टर्म इंटरनेशनल ट्रेड लिटरली मीन्स द एक्टिविटी ऑफ ट्रेड अमंग नेशंस ऑफ वर्ल्ड। यानी कि जो टर्म इंटरनेशनल ट्रेड है ना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, उसका लिटरली मतलब सिर्फ इतना होता है कि जिसमें व्यापार होता है देशों के बीच, व्यापार होता है देशों के बीच। दिस इंटरनेशनल ट्रेड इज मेड अप ऑफ ट्रांजेक्शन इन गुड्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और परचेज। अब ये जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, ये कैसे बनती है? इसमें ट्रांजेक्शन होती है। ट्रांजेक्शन यानी कि लेन देन होता है। किसका लेन देन होता है? गुड्स का लेन देन होता है, सर्विसेज का लेन देन होता है। और जब इसमें गुड्स को सेल और परचेज करते हैं ना, सेल और परचेज जो करते हैं, इसको कलेक्टिवली हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि आयात और निर्यात के नाम से जानते हैं। तो देखो आगे कि इंटरनेशनल ट्रेड इज मेड अप ऑफ ट्रांजेक्शन इन गुड्स और एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स अमंग नेशंस कलेक्टिवली कॉल्ड इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। कलेक्टिवली इसे क्या बोलते हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बोलते हैं। जब एक देश दूसरे देश से सेल और परचेज करने का काम करता है, अपने गुड्स को एक्सचेंज करता है, यानी कि अपने सामान को विनिमय करता है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ो। ये तो थी डेफिनेशन नॉर्मल, जो हम साधारण शब्दों में हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं किसी राइटर की, क्योंकि जब भी हमें एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड, और आगे एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस पूछे, एडवांटेज बोले, बेनिफिट्स बोले, गेन बोले, मतलब एक ही है। हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? महत्व या लाभ बताओ। तो जब हमसे जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, 20 नंबर में क्वेश्चन आता है या बड़े ज्यादा नंबर में मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो हमें जब सबसे पहले जब डेफिनेशन देंगे ना, तो डेफिनेशन हम पहले अपने साधारण शब्दों में बताएंगे, उसके बाद हमें किसी राइटर की बतानी होगी। कम से कम दो राइटर की बताएं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट एक राइटर की तो जरूर बताओ, ताकि उस डेफिनेशन को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकोगे और आपको नंबर सही मिलेंगे। तो अभी देखो, राइटर की डेफिनेशन में हमने सबसे आसान डेफिनेशन ली है। SF Stanley नाम के एक राइटर है, उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। अब SF Stanley ने क्या कहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार वो व्यापार है जिसके अंदर हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज का अपनी बाउंड्री से बाहर, यानी कि अपने एक देश की टेरिटरी से बाहर हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। आगे देखो, पीटी एल्सवर्थ ने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि इंटरनेशनल ट्रेड इज ट्रेड दैट क्रॉसेस नेशनल बाउंड्री। पीटी एल्सवर्थ के अकॉर्डिंग क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड अंतरराष्ट्रीय व्यापार वो व्यापार है जो देश की बाउंड्री को क्रॉस करके किया जाता है। ठीक है भाई, जब आप किसी एक राइटर का नाम लिख के डेफिनेशन लिखो तो उसको हमें इन्वर्टेड कॉमास में बंद करना होता है, ये आपको पता होगा। तो तब आप सिर्फ सेम वही वर्ड यूज करोगे जो उस राइटर ने किए हैं। ठीक है भाई, बाकी सामान्य शब्दों में आप सिंपल जनरली ये लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो थी डेफिनेशन भाई, दो राइटर की आप डेफिनेशन, और हाँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अंतिम में साइड में हट जाऊंगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे आपका एक बढ़िया इंटरनेशनल ट्रेड की बुक का आपका बढ़िया नोट्स मिलता रहेगा आपको। ठीक है भाई, अब आगे देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, भी इंटरनेशनल ट्रेड का क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए। ठीक है भाई, इसके बेनिफिट क्या है, इसके गेन क्या है, इसके महत्व क्या है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के, इंटरनेशनल ट्रेड के, वो हम देखने जा रहे हैं, अच्छे से समझेंगे, देखना। सबसे अच्छा, इसके जो महत्व है इसको हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अच्छा, इकोनॉमिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्थिक महत्व लिख देना, और नॉन इकोनॉमिक को आप लिख लेना गैर आर्थिक महत्व। यानी कि इंटरनेशनल जो ट्रेड करते हैं ना, वो दो पर्पस से काम करेंगे, इनकी दो इंपॉर्टेंस है, पहली इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, और दूसरी नॉन इकोनॉमिक यानी कि गैर आर्थिक। अब हम सबसे पहले देख रहे हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्या है इसकी आर्थिक महत्व इंटरनेशनल ट्रेड का, इससे इकोनॉमिक क्या बेनिफिट मिलता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो,
यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि जो प्राकृतिक साधन होते हैं किसी भी देश के, उनका सही से उपयोग हो जाना। कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे होते हैं तो किसी भी देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो वेस्टेज नहीं होते, उनका हम सही से उपयोग कर सकते हैं। तो देखो कैसे लिखा हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कैन फुली यूटिलाइज देयर नेचुरल रिसोर्सेज। कि इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा कोई भी कंट्री अपने जो नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका सही से उपयोग कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है कि अरेबियन गल्फ कंट्रीज हैव अबंडेंट ऑयल रिसोर्सेज बट द लैक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। कि जो गल्फ कंट्रीज है, अरेबियन गल्फ कंट्रीज है, वहां पे ऑयल के रिसोर्सेज बहुत है लेकिन वहां पे इंडस्ट्रियल नहीं है, वहां पे एग्रीकल्चर नहीं होती। तो इसलिए वो अपने इस नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, यानी कि ऑयल को दूसरी कंट्री में सेल करके उसके बदले में वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और जो उनको प्रोडक्ट चाहिए, जिनकी नीड है, वो खरीद सकता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा क्या होता है कि कोई भी कंट्री जिस कंट्री में जो चीज है उसको सेल करो और उसके बदले में जिस चीज की नीड है वो ले सकता है, जैसे अरेबियन गल्फ कंट्री करती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, चीट लिख दिया भाई, चीप। देखो भाई, चीप गुड्स टू कंज्यूमर, दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड का इंपॉर्टेंस क्या है कि चीप रेट के अंदर जो गुड्स होते हैं कंज्यूमर को वो मिल जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कंपटीशन, हाई कंपटीशन होता है। अब अच्छा कंपटीशन होएगा तो हर एक कंट्री की जो इंडस्ट्री वाले होते हैं वो चाहेंगे कि हमारी कंट्री के गुड्स बिके। तो अगर उनको अपनी कंट्री के गुड्स बेचने हैं इस अच्छे खासे टफ कंपटीशन के अंदर, तो उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए कि उसे क्वालिटी भी बेच दे और उसको लो प्राइस में भी सेल करे। तो इसलिए इसमें कंज्यूमर को, उपभोक्ताओं को यह फायदा होता है कि सस्ता माल मिल जाता है और वो भी अच्छी क्वालिटी का। तो देखो डेफिनेशन, थ्रू द आईटी यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड द कंज्यूमर विल गेट चीपर एंड बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स बिकॉज देयर इज हाई कंपटीशन टू बिटवीन नेशंस। सो ऑल नेशंस ट्राई टू प्रोवाइड गुड्स ऑन लो प्राइस बट गुड क्वालिटी। यानी कि सभी देश यही चाहेंगे कि भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अगर इस कंपटीशन में हमें टिके रहना है और हमारे गुड्स बिके तो हमें क्या चाहिए? उनका प्राइस कम हो लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी हो, तो कंज्यूमर को बेनिफिट है। तीसरा इंपॉर्टेंस देखो, रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब उपभोक्ताओं का उच्च जीवन स्तर। कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा जो कंज्यूमर है ना, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? देखो भाई, विद द अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर एंड चीपर गुड्स एट इंटरनेशनल लेवल कंज्यूमर लिविंग स्टैंडर्ड विल इंक्रीज। भाई इंटरनेशनल लेवल पे जब कंज्यूमर को सस्ते रेट में और बढ़िया क्वालिटी के गुड्स मिलेंगे तो क्या उनकी लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज नहीं होगी? होगी, क्योंकि हर व्यक्ति फिर सस्ते रेट में बढ़िया बढ़िया गुड्स खरीद लेगा, जो जो चीजें उसे चाहिए वो खरीद लेगा, तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड अपने आप ही क्या हो जाएगा? एनहांस हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड। कि इंटरनेशनल ट्रेड से प्रोडक्शन मेथड भी इंप्रूव होता है, यानी कि उत्पादन की विधियों में सुधार होता है। उत्पादन की विधियों में कैसे सुधार होता है वो देखो, With the help of higher technology, many countries have successfully replaced their traditional and outdated old technology of production. अब देखो भी, improvement in production method में क्या हुआ कि जब international trade बढ़ा ना, तो बहुत से ऐसी countries है, जैसे developing countries मान लो या under developing countries मान लो, जिनके पास बढ़िया quality की technology नहीं है, तो उन कंट्रीज ने क्या किया, दूसरी कंट्री से टेक्नोलॉजी को हायर किया, दूसरी कंट्री से टेक्नोलॉजी को बाय किया, करने उन टेक्नोलॉजी को बाय करने के कारण उनकी जो आउटडेटेड जो मेथड था, पुराना मेथड, ओल्ड मेथड था, जिनसे गुड्स भी इतने क्वालिटी के नहीं बनते थे, टाइम कंज्यूम भी ज्यादा होता था, एक बढ़िया जल्दी से वो गुड्स भी नहीं बना पाते थे, वो अब छोड़ के उन्होंने अपने प्रोडक्शन को एनहांस कर लिया और बढ़िया क्वालिटी के गुड्स बनाने शुरू कर दिए। तो इनसे उनका क्या हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया उनके मेथड में। तो ये भी किसके कारण हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड के। इंटरनेशनल ट्रेड नहीं आता ना, तो मैं मानता हूं कि इंडिया के अंदर जो आज टेक्नोलॉजी है ना, बहुत सी टेक्नोलॉजी नहीं आती, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया इंपोर्टर है टेक्नोलॉजी का। इंडिया हमेशा से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता रहा, अभी भी कर रहा है, लेकिन अभी कुछ टेक्नोलॉजी भी वगैरह भी वो देता है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री में आती है, तो हम ज्यादातर टेक्नोलॉजी वगैरह दूसरी कंट्री से क्या करते हैं, बाय करते हैं, इंपोर्ट ही करते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट देखो, नेक्स्ट इंपोर्टेंस देखो, हेल्पफुल इन इकोनॉमिक क्राइसिस।
कि जब किसी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, यानी कि आर्थिक संकट आ जाए किसी देश के अंदर, तो उसमें इंटरनेशनल ट्रेड मदद करता है। भाई कैसे मदद करता है कि अगर हमारी कंट्री या कोई भी ऐसी कंट्री है वर्ल्ड की जो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करती, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करने का मतलब किसी दूसरी कंट्री से ना तो वो गुड्स खरीदते ना ही बेचते, तो अगर मान लो उस कंट्री के अंदर कल को नेचुरल क्लैमिटीज आ गई, मान लो फ्लड आ गया या कुछ भी कंडीशन हो गई, तो क्या कोई और कंट्री हेल्प करेगी? वहां पे फूड ग्रेन रहे नहीं कुछ भी खाने पीने के लिए, सारी सामानों की शॉर्टेज आ गई, तो अब भी दूसरी कंट्री उन्हें देगी नहीं, हेल्प ही नहीं करेगी। वो कहेगी भाई हम क्यों हेल्प करें, तू तो अपने आप में बहुत कुछ समझती थी अपने आप को, तू तो कहती थी हमारी कंट्री सब कुछ कर सकती है हमारे देश के अंदर, तो अब कर लो। तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड आज चाहे डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग हो, हर कंट्री करती है, क्योंकि कहीं भी किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, तो उस कंडीशन से निपटने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड बहुत जरूरी है, ताकि हमारी दूसरी कंट्री हमारी हेल्प कर दे। अब देखो भाई ये मेनी कंट्रीज गेट रिलीफ फ्रॉम देयर इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयर क्राइसिस सक्सेसफुली विद द हेल्प ऑफ आईटी, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड, इन केस ऑफ लो प्रोडक्शन शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन कैन ईजली सॉल्व विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर ऐसी कंडीशन आती है जहां पे प्रोडक्शन कम हो जाता है, शॉर्टेज हो जाती है फूड ग्रेन की, तो वो ऐसी प्रॉब्लम से आसानी से निपट सकती है, छुटकारा पा सकती है, अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड से डील कर रही है वो कंट्री। तो अब आगे देखते हैं, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा जो अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट की वो भी बढ़ती है। आपको पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड जब कोई भी कंट्री करती है, खासतौर से मैं बात करूं डेवलपिंग कंट्रीज की जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, तो इंटरनेशनल ट्रेड करने से क्या होता है कि दूसरी कंट्री वाली जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, एमएनसीज होती है, वो यहां पे आके एस्टेब्लिश होगी, या वो कंट्री यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री है वो टेक्नोलॉजी वगैरह दूसरी कंट्री से खरीद के वहां पे टेक्नोलॉजी को सेटअप करके अपनी इंडस्ट्री को सेटअप कर सकती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिल सकता है, एम्प्लॉयमेंट। तो इंटरनेशनल ट्रेड एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाता है। देखो इसकी इंपॉर्टेंस में बहुत सारे पॉइंट हम जितने पढ़ते जाएं कभी खत्म ही नहीं होते, ठीक है, बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट 7 से 8 बता दिए। इसके बाद हम ये है इकोनॉमिक सारे के सारे इंपॉर्टेंस, आप इतना नोट्स बना लो, इतने लिख देना, एग्जाम में सफिशिएंट है। अभी मैं इसके नॉन इकोनॉमिक है वो अब अगली स्लाइड में हम देखेंगे, नॉन इकोनॉमिक कौन से है भाई। तक पिछली वाली जो इसी वीडियो की जो पिछली स्लाइड थी उसमें हमने देखा कि इंटरनेशनल ट्रेड होता है क्या, उसकी डेफिनेशन देख ली, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है यानी कि उसके आर्थिक महत्व क्या होते हैं वो हमने देख लिया। उन आर्थिक महत्व में एक जो पॉइंट था पीछे लिखा हुआ पिछली स्लाइड में वो मैं एक्सप्लेन करना रह गया था, वो था अर्निंग फॉरेन करेंसी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में एक ये भी होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड का जो इकोनॉमिक हम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं उसमें एक पॉइंट ये भी होता है कि अर्निंग फॉरेन करेंसी, कि कोई भी कंट्री, जो कंट्री एक्सपोर्टर कंट्री है, जो कंट्री किसी एक गुड्स को प्रोडक्शन कर रही है और उस कंट्री का वो प्रोडक्शन करके किसी उन कंट्रीज को वो क्या कर सकती है, उसे सेल कर सकती है यानी कि एक्सपोर्ट कर सकती है, तो ऐसे वो एक्सपोर्ट करके अपने फॉरेन रिजर्व को वो बढ़ा सकती है, फॉरेन अर्निंग को वो बढ़ा सकती है इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू, ठीक है भाई। ये सारे हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लिया था। लास्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एक और देख लो, वो है चेक ऑन मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा कोई भी एक कंट्री या कोई भी एक इंडस्ट्री मोनोपोली इस्टेब्लिश नहीं कर सकती, किस पे, बाजार पे, मार्केट पे। किस पोच करो एक ऐसी कंट्री है जो अभी इंटरनेशनल ट्रेड को डील नहीं कर रही है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड में नहीं लगी हुई, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर रही है, तो उस कंट्री के अंदर मान लो कोई ऐसी इंडस्ट्रीज है, कुछ इंडस्ट्री मान लो या एक दो इंडस्ट्री मान लो जो ऐसी इंडस्ट्री है कि जिनके अलावा वैसी ही गुड्स बनाने वाली कोई अदर इंडस्ट्री नहीं है, वैसा ही प्रोडक्ट बनाने वाली कोई अदर इंडस्ट्री नहीं है, तो वो इंडस्ट्रीज क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो ये सोचेंगे कि भाई हमारा ही राज है, चाहे इनका जितना मर्जी रेट रख सके, जितना मर्जी प्राइस रखे, जितना मर्जी प्राइस चार्ज करे, कोई हमें रोकने वाला नहीं है, कंपटीशन हमारे सामने है नहीं, लोगों को ले दे के आना हमारा ही पास पड़ेगा, तो इसलिए वो क्या कर सकते हैं, उनके हाई प्राइस की डिमांड कर सकते हैं और ले सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मोनोपोली, यानी कि एकाधिकार की प्रवृत्ति चल जाती है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में डील कर रहे हैं ना, तो इंटरनेशनल ट्रेड में एक ही गुड्स को, एक ही प्रोडक्ट को बनाने और बेचने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस मोनोपोली को क्या किया जाता है, इसमें खत्म किया जाता है। तो एक ये पॉइंट रह गया था कि इसमें जो हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल ट्रेड की उसमें। अब हम देखते हैं नॉन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सी नॉन इकोनॉमिक यानी कि गैर आर्थिक महत्व किसके, इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के। तो वो देखो सबसे पहला क्या है, इनहैंस्ड कल्चरल रिलेशन,
कि भाई ये वो महत्व देख रहे हैं जिनसे कोई हमें पैसों का लेन देन नहीं होगा, कोई पैसों का बेनिफिट नहीं होता इंटरनेशनल ट्रेड करने से, पैसों के अलावा क्या बेनिफिट हो सकता है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड करने से हमारे जो कल्चरल रिलेशन है ना वो अच्छे होंगे, दूसरी कंट्री के साथ वो अच्छे होते हैं। कैसे भाई? देखो, इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स इन प्रमोटिंग कल्चरल रिलेशंस बिकॉज पीपल कम्स टुगेदर, इंटरेक्ट विद ईच अदर, डेवलप सोशल रिलेशंस एंड थ्रू दीज एनहांस कल्चरल रिलेशंस। क्या बात बोली कि इंटरनेशनल ट्रेड में क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड ये हेल्प करता है कल्चरल रिलेशन को प्रमोट करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें लोग आते हैं दूसरी कंट्री के साथ, जब ट्रेड करते हैं तो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, आपस में एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की सोशल रिलेशन को जानते हैं, एक दूसरे की कल्चर को जानते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके बीच में कल्चरल जो रिलेशन है वो बढ़ता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। तब लोग जानते हैं कि यार हम तो ऐसे ही सोच रहे थे कि वो बंदा दूसरा है, वो तो सिर्फ हमारे ही जैसा है, बस स्किन का फर्क है, कुछ गोरे कुछ काले होते हैं। तो इनसे क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता है कि हमारी कल्चरल रिलेशन अच्छी होती है। अभी देखो, आपको पता है इंटरनेशनल ट्रेड के आने से ही ऐसा हो रहा है कि जो हम जो वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि उनकी जो कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जींस टॉप वगैरह सब कुछ पहन रहे हैं, और जो वेस्टर्न कंट्री है वो हमारी कल्चर को भी फॉलो कर रही है। वो आपको पता है कुर्ता पहन रही है, जींस के ऊपर कुर्ता पहनते हैं, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये कल्चरल एक्सचेंज होने के कारण है। तो इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता है, कल्चरल एक्सचेंज होती है और हम एक दूसरे की कल्चर को अच्छे से जानते हैं। ठीक है भाई, दूसरा देखो, एनकरेजमेंट टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा, कि इंटरनेशनल ट्रेड ने इंक्रीज कर दिया है। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन हुई है इसमें लोगों की, डिफरेंट नेशंस की, विच अल्टीमेटली एनकरेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन। दिस एनहेंस्ड इकोनॉमिक कोऑपरेशन पेव द वे फॉर बेटर पॉलिटिकल रिलेशन। कि भी एनकरेजमेंट टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैसे हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण अलग अलग देशों के लोग एक दूसरे के इंटरेक्शन में आते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो उनके जो पॉलिटिकल लीडर है वो भी एक दूसरे को जाते हैं, एक दूसरे के वो जो विजिटिंग करते हैं एक दूसरे की कंट्री में, एक दूसरे को जानते हैं। तो इस जो हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं ना, इस इंटरनेशनल ट्रेड से एक कंट्री दूसरी कंट्री के संपर्क में आती है, अच्छे से उनको जानती है, जिनसे उनका पॉलिटिकल रिलेशन भी इंप्रूव होता है। और अगर पॉलिटिकल रिलेशन इंप्रूव हो गया तो हमें सहयोग को बढ़ावा मिलता है। तो कल को कोई भी जिस कंट्री के साथ हम इंटरनेशनल ट्रेड डील कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं ना जिस कंट्री के साथ, तो वो कंट्रीज क्या करेगी, उन कंट्रीज को लगेगी कि यार ये कंट्री तो हमारे साथ इंटरनेशनल ट्रेड करी है, हमारे साथ ट्रेड करी, ये कंट्री तो बहुत अच्छी है, इसने हमारे साथ व्यापार की है। तो कल को कोई भी दिक्कत हो तो वो हमें क्या करेगी, कोऑपरेट करेगी, हमें सहयोग देगी, हमारी हेल्प करेगी। तो इंटरनेशनल ट्रेड से ही एक कंट्री दूसरी कंट्री के कॉन्टैक्ट में आया, इंटरेक्शन में आया है, जिसके कारण क्या होता है, दोनों के बीच सहयोग बढ़ता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड ने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा दिया है। और देखो, इंटरनेशनल ब्रदरहुड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा बढ़ा है, ये भी सेम ही है, तीनों पॉइंट लगभग एक जैसे ही है, कि थ्रू द इंटरनेशनल ट्रेड पीपल डिफरेंट कंट्रीज, कि इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा अलग अलग कंट्री के जो लोग हैं, एंड फोस्टर लव एंड अफेक्शन, दिस अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू इंटरनेशनल ट्रेड। देखो कि अलग अलग कंट्री के जो लोग हैं, पीपल अलग अलग रिलीजन के हैं, वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने से उनके बीच में लव माने प्यार, अफेक्शन माने स्नेह क्रिएट होता है आपस में, वो जानते हैं कि यार ये तो हमारे जैसा है, एक दूसरे को अच्छे से जानने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपस में एक भाईचारा फैलता है। तो जो कभी वॉर की कंडीशन जो हम ऐसे सोचते हैं, जैसे आज हम ऐसे सोच रहे हैं कि पाकिस्तान वाले गलत है, क्या पाकिस्तान वाले सारे ही गलत है, नहीं, कुछ लोग गलत होते हैं, सारे गलत नहीं है, वो भी तो हमारे जैसे हैं, वो भी तो खाते पीते हैं, वो भी तो सारे काम करते हैं, उनकी भी तो विचारों की कुछ कल्चर होती है। तो जब हम किसी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं ना, तो आपस में हमारा लव और अफेक्शन क्रिएट होता है, जिससे हम ब्रदरहुड की जो भावना है ना वो एक्सपेंड होती है, वो फैलती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या करता है, ब्रदरहुड को भी बढ़ाता है, जिससे जो वॉर वाली टेंशन है वो खत्म हो जाती है भाई। ठीक है, आगे देखो एक और, कि इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट वर्ल्ड पीस, कि इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार है ना, वो विश्व में शांति को भी बढ़ावा देता है, बिल्कुल शांति को बढ़ावा देता है। भी आप मान लो कोई भी कंट्री, इंडिया मान लो आज ट्रेड करने जा रहा है, जिन कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है, अमेरिका के साथ करता है, रशिया के साथ करता है, मान लो चाइना के साथ भी वो बढ़ा रहा है, तो चाइना भी सोचेगी उसके साथ वॉर करने से पहले कि यार ये कंट्री वो है जो हमारे साथ ट्रेड करती है, हमारा बहुत ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं वो इसी कंट्री को करते हैं,
तो हमारे साथ वर्क नहीं होगी। तो इंटरनेशनल ट्रेड है ना, आपस में कंट्री को कोऑपरेट करना सिखाता है, जिनसे क्या होता है जो वॉर वाली टेंशन है या अदर टेंशन है दोनों कंट्रीज के बीच में या किसी भी कंट्री के बीच में, वो नहीं रहती। तो देखो, थ्रू द इंटरनेशनल एक्टिविटीज, यानी कि इंटरनेशनल जो एक्टिविटी होती है, गतिविधियां होती है, उनसे कंट्रीज कम क्लोजर एक दूसरे के पास आती है, साथ आती है, जानती है, एंड दे अवॉइड, और वो बचती है फिर ऑल टाइप्स ऑफ टेंशंस एंड डिस्प्यूट्स विच कुड बी द कोज ऑफ एनी वॉर अमंग नेशंस। यानी कि वो फिर बचने की कोशिश करती है कि जो दोनों देशों के बीच में कोई भी एक कारण हो, कोई भी ऐसा कारण हो जिससे दोनों देशों के बीच में वॉर हो सकता है, उससे दोनों कंट्री बचने की कोशिश करती है जब वो इंटरनेशनल ट्रेड में आपस में इंगेज्ड होती है। तो आई होप आपको ये इंटरनेशनल ट्रेड का एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने डेफिनेशन देखी और इंटरनेशनल ट्रेड की इंपॉर्टेंस देखी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और आपको अगर लगा कि इस वीडियो से हमें कुछ हेल्प हो सकती है तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट बहुत कम बच्चे होते हैं जो क्लास अटेंड करते हैं इसकी। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा जो घर में बैठा है, जो नहीं पढ़ पाया किसी भी रीजन से, उसकी पढ़ाई ना छूटे, उसको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है भाई, थैंक यू।